ये सिंगल सिलेंडर हाई कंप्रेशन जो मोटरसाइकिल होती है ना, ये आजकल के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है ना। लो कंप्रेशन लेजी इंजन्स पसंद नहीं आ रहे, तो ये जो बाइक है ना, ये ऐसे की फॉब के साथ आती है जो कि एनएफसी पावर्ड भी है। एनएफसी क्या चीज होती है वो मैं बताऊंगा, उसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इस तरफ से आगे ये कंसोल दिखा दो, तो ये बाइक पूरी ऑलमोस्ट इस की से ऑपरेट हो सकती है वायरलेसली, मतलब कीलेसली। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, प्रेस एन की, तो ये लॉक हो गई, ये लॉक हो जाएगी। अगर इसको अनलॉक करना है, ये की की जरूरत नहीं है, ये की हम यहाँ पर रख रहे हैं, और इसको एक बार प्रेस किया, ये अनलॉक हो गई। ऐसे ही करके इसके अंदर काफी सारे और भी फीचर है ना जो कि कीलेसली काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी ये फ्यूल टैंक खोलना चाहूँ, तो क्लिक किया और ये फ्यूल टैंक खुल गया। ये फ्यूल टैंक कितना लीटर का है अभी? ये 16 लीटर का फ्यूल टैंक है, एंड कंपनी ने मुझे बोला था कि आप इसमें अप्रोक्स मतलब 12 टू 13 लीटर ही रखना, बिकॉज लाइक अ बैक प्रेशर इसकी वजह से, तो वो नॉर्मली सभी गाड़ियों में होता है। तो 16 लीटर का फ्यूल है, एवरेज काफी अच्छा कवर अप देती है। लाइक अप्रोक्स मेरे को हाईवे पे ये 27-30 तक का एवरेज दे दिया था, दे रही है ना? हाँ, इतना दे रही है। और टू बी ऑनेस्ट, जो इसका सेकंड थिंग है कि अगर आप जैसे पब्लिक एरिया में चलते हैं, तो पब्लिक एरिया का जो है, पब्लिक एरिया में आपको कम से कम दे देगी 20 तक का, बिकॉज आपको बार बार रुकना पड़ता है, तो इन सब चीजों की वजह से। थ्रॉटल भी तो देते हैं ये लोग, और दूसरी चीज ये है कि जैसे ये इसकी सीट का बटन है, यहाँ पे आके दिखा दो, तो इसमें हर एक चीज का ना बटन है। अब ये सीट का बटन है, ये सीट का बटन जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो ये सीट देखना, ये सीट अनलॉक हो गई है ना। तो ये वाले फीचर होने चाहिए। अब भाई इसके अंदर बैटरी का वो कौन सा फीचर है जिसको आप ऐसी खड़ी गाड़ी के अंदर चार्ज कर सकते हैं? बैटरी का जो ये फीचर है, अगर इसका आप बैक पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने एक स्पेस दिया है कि आपको बैटरी डायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप उन्होंने चार्जिंग टाइप का, जैसे फोन चार्ज करते हैं ना, उसी टाइप से आप डायरेक्टली स्लॉट पे लगा के आप इसको कवर अप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए फीचर है जिन लोगों के लिए बहुत सारी बाइक्स होती हैं, जिन लोगों के पास बहुत सारी बाइक्स होती हैं। नहीं, पर ये मेरी फर्स्ट है। और दूसरी चीज ये कि उसमें क्या होता है कि जब हम बाइक को खड़ी करते हैं ना, तो बैटरी डाउन जाती है, और फिर जब हम स्टार्ट करते हैं, धोती नहीं है, तो बैटरी ना डाउन हो, उसके लिए बैटरी निकालनी होती है, नीचे तारे लगा लो, तार लगा लो। अब चलो इसकी जो है ना, सबसे पहले फ्रंट पे आ जाओ। यार ये जो इसका फ्रंट फेंडर है, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, डिजाइन का पार्ट है, लेकिन ये जो अपसाइड डाउन जो शॉक एब्जॉर्बर्स इसमें लगे हुए हैं, अब ये बताओ उसको कितना टाइम हो गया चलाते हुए? इसको मुझे चलाते हुए हो गया है अप्रोक्स 2-2.5 महीने हो चुके हैं मुझे इसे चलाते हुए। ये जो गड्ढे आते हैं उसके अंदर कैसा काम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक मतलब सॉकर में मेरे को कोई प्रॉब्लम फील नहीं। कितने गहरे गड्ढे में गिरे हो आज तक? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना एक ट्रैक पूरा किया था, केदारकंठा का ट्रैक पूरा किया था, इसी बाइक के साथ किया था, तो रोडे काफी मतलब अपसाइड डाउन हो रही थी। केदारकंठा, ये आपका सांकरी साइड पड़ता है, नहीं ऋषिकेश से होते हुए जाना पड़ता है, होते हुए जाना है यूके। हां जी हां जी, ये यूके भाई, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, अपना उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड से भाई, और आए हैं नोएडा मोटरसाइकिल परचेज करने, ठीक है। और नोएडा में इनको जॉन्टी सी पसंद आई, ये जो पसंद आई, बहुत सारे लोग कहते हैं चाइनीज ब्रांड है भैया, ये मतलब अगर मतलब। जिन लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट मुझे सुनने के लिए मिलता है, तो मैं सबसे पहले ये बोलता हूँ कि भाई आप फोन कौन सा यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप कौन सा यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप कौन सा, आप फ्रिज कौन सा यूज करते हो, आपके घर में टीवी कौन सा है, तो ये सब अबाउट की चाइनीज है। बाइकआउट करना ना करना मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा, बट लाइक आप फीचर्स देखो, बाइक ने फुल्ली कवर्ड फीचर्स दिए हैं, और आपको बहुत सारी मतलब इजी एक्सेस मिल रहे, तो व्हाई शुड आई नॉट गो। यार चाइना में दुनिया का सारा सामान ही बन रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, उसको हटाते हैं साइड। लेकिन ये चीज दिखा दो इस वाले एंगल से भैया, सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी है ना, वो ये है, ये भाई इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं डिवोटेड हूँ महादेव को, हमारे महाकाल को, सो मैंने कहा कि गाड़ी में ज्यादा कुछ मैं काम नहीं करवाऊंगा, मेरे को रॉयल ब्लैक पसंद था, तो ये मैंने रेडियम रिफ्लेक्टर प्रिंट करवाया था इस पे, और देखो ये बहुत तो अच्छा ये तो रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, ये भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये टैटू हाई बड़ा सही सेट लग रहा है। और ये क्या लिखा हुआ नीचे? ये कर्मा, कर्मा इट्स ऑफ द कर्मा। ओ वाओ, लाइट कैसी है हेडलाइट इसकी? आपको हेडलाइट काफी अच्छी है, लाइक मतलब पॉइंट्स ऑफ इंप्रूवमेंट है इसके अंदर? लाइट मैं एक चीज कवर अप करना चाहूंगा, जैसे की अगर आपको, जैसे आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हैं, तो इसका जो लाइट का है थोड़ा सा मुझे लो अप लगा था, कि मतलब जो आपकी लाइट्स हैं, तो वो रिफ्लेक्ट, फ्रंट लाइट जो आपको रिफ्लेक्ट मारती है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे काम करने की जरूरत लगी थी, बट हाउएवर इट्स गुड। अच्छा, I won't be saying no. थोड़ी सी पास से आगे दिखाओ, तो इस लाइट हेडलाइट में ना दो चिप यूज की हुई है, छोटी छोटी सी चिप है, एक ऊपर करके दिख रही होगी, अगर दिख रही होगी तो शीशे में से, एक नीचे से दिख रही है हमें, तो वो क्या है, ऊपर लाइट जलती है, जो रिफ्लेक्टर लगे हैं उसको वो रीडायरेक्ट करके आगे की तरफ लेके आते हैं, अब उसके अंदर चिप जितनी ज्यादा हाई फाई लग जाएगी उतनी
इंजन ब्राइट हो जाएगी, लेकिन उससे क्या हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। हीट मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा एक पॉइंट है इन ऑटोमेकर्स के लिए, जिसकी वजह से लाइट थोड़ी सी कमजोर दे रही है। बॉडी का पैनल जो है पूरा बहुत आगे आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पीछे। इसकी वजह से क्या है कि बल्कीनेस मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है ना। या टू बी एक चीज है कि मतलब जो फेयरिंग की आपने बात बोली है, तो मुझे अभी तक नेकेड बाइक में मतलब ये काफी अच्छी फेयरिंग लगी है। ये सेमी नेकेड हो गई ना ये। हाँ, ये बोल सकते हो ये फुल नेकेड टाइप्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ये भी आ गया, एक ये इंजन कवर आ गया, यहाँ से ये वाली फेयरिंग आ गई। सेमी नेकेड हो गई, कहीं कहीं से दिख रही है। नेकेड का क्या मतलब होता है? अधरंगा, ठीक है। तो ये अधनंगी है कहीं कहीं से। तो भाई ये 350 सीसी का इंजन है जी, जो कि 38 अप्रोक्स के आसपास बीएचपी दे देता है। तो चलाते वक्त कैसा लगता है इसको? चलाते वक्त काफी स्मूथ राइड है। और 0 to 100 भगाइए भी। हाँ, 0 to 100 कितनी देर में भगती है? विदिन 10 to 12 seconds। अब देखो इसमें ना सबसे अच्छी चीज ये लगती है मुझे, जो छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं वो भी इस मोटरसाइकिल के अंदर दे रखी है। ये जरूरत नहीं थी यहाँ पे लगाने की, ये वाला पार्ट जो है ये, लेकिन फिर भी लगाया क्योंकि डायरेक्ट सिलेंडर दिखता तो अच्छा नहीं लगता जी, है ना। और सिलेंडर भी मोटा है, चौड़ा वाला सिलेंडर इसके अंदर लगा रखा है। वो हो सकता है कि कूलिंग सिस्टम उसका अच्छा बना रखा हो। ये चीज़ें लगाई, फिर एक ये चीज़ें लगाई नहीं नीचे, तो ये सारा का सारा आ जाता है डिज़ाइन का पार्ट, क्योंकि नीचे से कोई प्रोडक्शन तो ये करेगा नहीं, क्योंकि नीचे अगर देख रहे हैं तो कैटालिटिक कन्वर्टर इसके नीचे है। अगर कभी ठुकेगी तो आपकी कैट फटेगी और बाइक का जो साउंड है वो बढ़ जाएगा। एग्जॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ब्रेक पैडल को भी सिंपल बनाया जा सकता था, है ना। बिल्कुल जैसे कंपनीज बनाती है स्टील का एक ब्रेक पैडल सिंपल सा बना देती है। लेकिन इसमें भी देखो ये जो डिजाइन है, यहाँ से ये जो डिजाइन आ रहा है, या फिर ये जो तीन जो बोल्ट इन्होंने लगा रखे हैं छोटी छोटी डिटेल्स, ये क्यों लगा रखे हैं? और दूसरी बात ये कि डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन कंपनी का कुछ होगा फंडा, उन्होंने सोचा ये निकलना चाहिए। अगर ये कभी टूटे तो जो कस्टमर होगा हमारा उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि पूरा पार्ट चेंज होगा जी, सिर्फ इतना इतना ही खुलेगा, इतना ही चेंज हो जाएगा, है ना। मटेरियल में कोई कमी नहीं रखी है, मतलब एज एन देखा जाए फैक्ट के हिसाब से। तो अगर कभी आपको इनको मोड्स करवाना है या फिर आप चेंज करना चाहते हो इन केस ऑफ एक्सीडेंट और टूटे, तो डायरेक्टली आप रिमूव आउट करके इसको नया लगवा सकते हो। दूसरी चीज इसमें एक्सेसरीज का भी लोग प्रोविजन बहुत दे देते हैं जी, जहाँ पे जितने नट बोल्ट देते हैं ना, मतलब समझ लो एक्सेसरीज वालों के मजा आ गए जी। वो इसको थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, जिसका पैर बड़ा होगा, जिसका पैर छोटा होगा उसके लिए छोटा भी बना सकते हैं। ये डायरेक्टली ये एडजस्ट करने के लिए अपने फुटवेयर के हिसाब से। और इसको भी हम थोड़ा सा एक नट बोल्ट जो है इसका ये एडजस्ट कर सकते हैं, ये दो यहाँ लग सकते हैं या फिर ये दो यहाँ लग सकते हैं, तो ये हल्का सा छोटा और हल्का सा बड़ा हो सकता है आगे पीछे मूवमेंट के लिए, हाफ इंच तक। पूरा थ्रॉटल घुमा देना एक बार तो वो सिंगल सिलेंडर है तो उसका पता तो चल जाता है, मतलब कान में पिंच भी नहीं होगी आपकी आवाज, और लाइक लगेगा कि कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है। अच्छा तो साउंड है, साइलेंसर को पीछे से दिखाओ तो पूरे नहीं ओपन है ये, इनको इतना पार्ट ही इनका सिर्फ ओपन किया हुआ है। तो इससे क्या है कि एमिशन मतलब जो साउंड की जो लेवल है 80 डीबी के आसपास वो कंट्रोल की जाएगी, लेकिन ये साउंड जब यहाँ से ऐसे करके खुल के आएगा, जैसे आपने वो भोंपू देखा होगा, भोंपू होता है ना पीछे से पतला आगे से चौड़ा, हल्का सा बेस क्लियर और बेस डीप बेस बनाने के लिए हल्का सा ये ऐसा वाला डिजाइन यूज करते हैं, नो पिंच साउंड। हाँ, कि अंदर से जैसा भी साउंड आएगा थोड़ी सा उसका लेवल बढ़ जाएगा। साइलेंसर के नीचे ये स्विंगम है इसका, 350 सीसी की मोटरसाइकिल है जो कि 38 बीएचपी ही देती है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ देखो कि ये किस टाइप का स्विंगम यूज़ किया हुआ है, बजाय वो नॉर्मल वाला स्विंगम भी यूज़ हो सकता था इसके अंदर, है ना। अगर हमारी कोई कंपनी बनाती है, वैसे किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर बना रहे होते लोग तो वही पतला वाला लोहे वाले स्विंगम यूज़ कर लेते हैं। इसमें हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम एलॉय का स्विंगम यूज़ किया हुआ है, जो कि परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है कि जब आप स्टंट मार रहे हैं, जब आप कुदा रहे हैं या फिर बहुत हाई स्पीड पे चल रहे हैं, कट ले रहे हैं, तो हमारे जो टायर होते हैं इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसके अंदर वो स्विंग मुड़े नहीं या फिर उनमें हल्का सा भी बेंड ना आए, जिससे कि आपकी बैलेंसिंग ना खराब हो, उसके लिए ये होता है। फिर ये अलॉय भी
रेडियल के टायर है लाइक 160 सेगमेंट में 350 सीरीज आप 390 जाओगे तो आपको 160 के जो ये टायर है जो 160 टायर आपको उसमें नहीं मिलेगा। MM विथ का ये टायर दिया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। वेट्स भी रखे हुए ताकि बैलेंस बना रखे, बैलेंस बना रहा है। ये है इसका रेयर पोर्शन, नंबर प्लेट आ गई यहाँ। दूसरी चीज ये आ गया इसके, ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी थी जब ये बाइक लॉन्च हुई थी, क्या है ये विंग्स के डिजाइन है, टर्न इंडिकेटर्स पे अगर टर्न इंडिकेटर्स के ऑन किए जाए तो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है, बिल्कुल ऐसे विंग्स का ब्लेड जैसा डिजाइन बना रखा है। ऊपर से दिखाओगे तो डिजाइन जो है वो ब्लेड जैसा है, जैसे मोगली का पंजा भी बोल सकते हैं, मोगली का पंजा। एंड सेकंड थिंग, अगर ऊपर से देखेंगे बंदे तो इसको लगेगा कि ड्रोन लगा रखा है। ड्रोन, ये छोटा सा एक ड्रोन है जिसके विंग्स हैं। हाँ, ये प्रोपेलर वाला दिया ये इसके विंग्स है। तो ये आ गई इसकी यहाँ पे नंबर प्लेट और ये आ गया फेंडर। पीछे से कीचड़ उड़ाती है नहीं, कवर अप बहुत अच्छा कर देती है जो इसका। हाँ, ये मड गार्ड है। हाँ, ये वाले पोर्शन को ये कवर कर देता है। हल्के फुल्के छींटे आपके इस यहाँ पे भी दिख रहे होंगे पर यहाँ पे आ जाते हैं और बाकी जो बैक में जो छींटा आता है वो पूरा कवर रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। हाँ जी, क्योंकि हमने बहुत सारी बाइक देखी है जिनके अंदर सेम यही होता है, यहाँ पे टेल आ रही होती है, यहाँ पे लगा होता है, उनमें कीचड़ आती है। नहीं नहीं, बट इसमें बैक प्रोटेक्शन पूरी है, आपको कीचड़ से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो टेल सेक्शन है बाइक से कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये चीज अच्छी लगती होगी रोड पर चलती हुई। तो ये सबसे बड़ा इम्प्रेशन क्या होता था हम जैसे बच्चों के लिए कि पीछे से बाइक उठी हुई हो, आगे से ऐसी सी हो और उसका ना बहुत भारी भरकम सा लुक हो, है ना। तो ये पीछे से पूरी पूरी ठीक है और टेल अगर नीचे से दिखा दो तो पूरी पूरी शार्प और क्लीन टेल बना रखी है और लाइट पूरी कवर कर रही है, मतलब लाइट की जो लेंथ है इसकी, जो स्टॉप लाइट होती है रेड कलर की, तो वो उसको पूरा आगे तक कवर अप कर रही है। एग्जैक्टली, यहाँ से ये पूरी पूरी लाइट यहाँ से कवर हो रही है, फिर ये हल्की सी बीच के अंदर भी, और अगर इसकी ब्रेक जाए तो ब्रेक करके कुछ ऐसा सा ये ब्रेक लाइट जलेगी। अच्छा, ये ब्रेक लाइट का क्या सीन है इसके अंदर, क्या इसका है? ब्रेक लाइट का सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगा कि अगर हम डायरेक्टली पैनल पे जाएंगे तो ये एडजस्टेबल है कि आप क्यों? इसकी ब्राइटनेस को लाइक कभी कई बार ये होता है कि अगर मॉर्निंग में आपको ब्रेक लाइट्स दिखती नहीं है तो उस वजह से क्या होता है कि जो फेड अप ना पड़े, तो इसके लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप मतलब ब्राइटनेस कितनी चाह रहे हो। तो हम अगर इसको मैक्सिमम ब्राइटनेस पे रखें फिर क्या होगा? हाँ, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा मैक्सिमम ब्राइटनेस पे ही रखता हूँ इसे। वो इसी वजह से कि कई बार ज्यादा धूप होने की वजह से दिखती नहीं है लाइट। अच्छा, तो ये एडजस्टेबल है, ये मेरे को काफी अच्छा फीचर लगा। मतलब अगर आप सर्दी वाले एनवायरनमेंट में सर्दियों के अंदर काम कर लो कि पीछे वाले को भी फॉग वगैरह ज्यादा परेशानी ना हो। हाँ जी, और गर्मियों के अंदर वो कर लो, नॉर्मल से ब्राइटनेस बढ़ा कम ज्यादा कर सकते हो। देखो, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन कंपनी इन सब चीजों पे ध्यान देती है। इन चीजों पे ध्यान देने का सबसे बड़ा क्या फैक्टर होता है, ये चीजें महंगी हो जाती है। अभी रेट तो मैं बताऊंगा, थोड़ी सी ऊपर आगे दिखा दो भाई। ये सीट जो है, ये मटेरियल जो उन्होंने यूज किया हुआ है, रबर राइड्स कुछ मटेरियल है, ये कुछ सिंथेटिक टाइप मटेरियल है, कोई फैब्रिक नहीं यूज कर रहा चीट में, नहीं 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 कुछ नहीं यूज कर रहा, ये कुछ अलग ही कम्फर्टेबल है, काफी कम्फर्टेबल है। ये फिक्स सीट होती है, अगर एक बार किसी ने ब्लेड से काट दी तो बस सीट खराब, इसके ऊपर कवर वर चढ़ाओ गंदे गंदे, या फिर नहीं नहीं वो नहीं होगा, सीटी चेंज होगी सीधा, या फिर ये सीट चेंज करो। ये काफी सॉफ्ट है। अभी तक कंटीन्यूअस ड्राइव कितनी की इसको? मैंने इसे मतलब मैंने बताया था कि मैं केदारकंठ ट्रैक पे गया था, तो मैंने कंटीन्यूअस जर्नी की थी लाइक 9 घंटे की। तो मैंने 9 घंटे की राइड अप की थी इसमें, तो मेरे को ऐसे कोई ऑफ रोडिंग में भी हुई थी थोड़ी बहुत, तो ऑफ रोडिंग में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, काफी कोजी बना ये पिकाचू के। ये जो है होते हैं क्या बोलता था, जो पॉम पॉम टेल, पता नहीं क्या बोलता था। तो ये कितनी देर में दुख जाते हैं इस पे बैठ के? ये बम्प, इसके बम्प तो आयरन टेल जो अटैक है इसका, मेरे को काफी लॉन्ग लास्टिंग लगा क्योंकि इनको इतनी डिटेल में इसलिए पता है क्योंकि खुद एक पिकाचू है। आ जाओ। अच्छा, बैठने के बाद बाइक बहुत अच्छी लगती है, एक बार ये की पकड़ो तो भाई और मेरी हाइट दोनों की सेम है ऑलमोस्ट। बैठ के जो फील है बाइक का 350 सेगमेंट के अंदर, एक ऐसा लगता है कि हाई क्लास मोटरसाइकिल चला रहे हो। ये वाले एंगल से अगर ऊपर से दिखाएंगे तो जो राइडर होगा उसका ये वाला पोर्शन बिल्कुल हाईटेक है, इतने सारे कंट्रोल्स। एंड अगर आप इसके कॉर्पेट पे फोकस करेंगे तो यू विल बी फीलिंग लाइक कि आप किसी अच्छे कॉर्पेट पे बैठ के चला रहे हो। वही तो, बिल्कुल कॉकपिट व्यू है ये, है ना। और इसके अंदर मोड्स हैं, यहाँ पे ये मोड का बटन है, इको मोड है, यहाँ से हम कर देते हैं तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगा, स्पोर्ट्स पे आ जाएगा, इसको दबाएंगे तो ये इको पे आ जाएगा, स्पोर्ट्स पे आ जाएगा। इको पे कितनी माइलेज दे रही होगी ये? इको पे वही आपका, अभी तक मैंने इसे ज्यादा इको पे ही चलाया था, तो इको पे 30 तक का दे रही है। यानी कि तो जो 0 से 100 आप बता रहे हो कि 10 से 11 सेकंड के अंदर पहुंचती है। स्पोर्ट्स मोड में थोड़ा सा 2-3 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा। हाँ,
बस यही है। और इको पे माइलेज और स्पोर्ट्स में माइलेज का कितने का फर्क पड़ेगा? इको में वही है, 2 से 3 का माइलेज कम हो जाएगा आपको, ये समझ लो। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में कवर अप करते हो, यहाँ से छोटी मोटी चीजें देखो तो ये सेट है, यहाँ पे ये मोड है, ये जो बटन जो है ये कितने यूज आते हैं? तो ये यूजली जो ये पैनल है इसमें बहुत सारे आपको मोड्स मिल जाएंगे। जैसे इसमें मैंने बैकलाइट बताया था कि आप एडजस्ट कर सकते हो इसे, तो ये इस पे आ जाता है। आप इसमें मतलब टायर प्रेशर वगैरह, टीएमपीएस वगैरह दिखाना जरा एक बारी, टायर प्रेशर कितना है हमारा? एक सेकंड, ये जाते हैं टीपीएम टीपीएमएस पे। तो ये जो टायर प्रेशर, तो ये यूजुअली तब यूज होता है, ये यूजुअली तब यूज होता है जैसे कि कभी आप अगर भरवा रहे हो, हवा भरवा रहे हो जैसे, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये अपने आप ही मेजर अप कर लेगा। और ये फिलहाल उसकी टायर का प्रेशर शो कर रहा है, तो मैंने इसे E1 पे रखा हुआ है। मुझे यही वाला समझ में आया था गूगल सर्चेस की वजह से, तो यही है इसमें बहुत सारे। और बाकी अगर आपको और मोड्स देखने, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आपके नेविगेशन सिस्टम्स है, और सब सबसे अच्छी चीज की इसके साथ में फोन भी मिरर हो जाता है। हाँ, फोन भी मिरर हो जाता है ना। हाँ जी, ये बहुत, अगर किसी को बच्चे को थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे बिठाना है तो आप कार्टून दिखाते हुए ले जा, पिकाचू दिखाते हुए ले जा सकते हो। पिकाचू भी दिखाएंगे। एक बात बताओ, जब आपके बच्चे होंगे, जब वो देख रहे होंगे वो वाले पिकाचू, बाई चांस उसका कोई लेटेस्ट वर्जन, तो क्या बोलोगे? भाई मेरा, मैं पिकाचू हूँ, वो छोटा रायचू हो गया। रायचू हो गया? हाँ जी। अच्छा जी, वेरी गुड। तो कितने की पड़ी ये, एक्स शोरूम कितने की है? इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है, जो ये रॉयल ब्लैक कलर है स्पेशली, तो ये रॉयल ब्लैक जो है वो आपका मेरे को पड़ा था 3-25, मतलब 3,25,000 मेरे को इसका एक्स शोरूम पड़ गया था। अच्छा। और लाइक ऑन रोड मेरे को थोड़ा ट्रांसफर पेपर वगैरह, मेरे को अपना उत्तराखंड में ही रजिस्टर करना था, तो एटलीस्ट मेरे को मतलब 4 लाख तक की पड़ गई थी। यूके वाले? हाँ, मैं यूके वाला हूँ, विद VIP नंबर प्लेट बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर प्लेट का जो नंबर है वो है 5050। हाँ जी। तो ये 5050 का क्या क्या सीन है लेने का? 50-50 बिस्किट की याद आ गई थी लेते टाइम। अच्छा एक बात बताओ, तो मतलब 3,80,000 रुपए का एस्टिमेट है, किसी को कुछ डिफरेंट चाहिए? हाँ जी। अभी कितने महीने हो गए इसको चलाते हुए? मेरे को अभी 2.5 महीने अप्रोक्स हो चुके हैं। और ऑलमोस्ट कितनी चला ली? ऑलमोस्ट मैंने इसे 4,000 चला लिया है। 4,000 चला लिया है। सेकंड सर्विस भी हो चुकी है। 2 महीने हो गए सेकंड सर्विस हो गई। सर्विस कितने की हुई इसकी? सर्विस जो है इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी 5,500 की फर्स्ट की, फर्स्ट सेकंड भी वही पड़ी थी। और थर्ड कितने की पड़ेगी? थर्ड अभी उन्होंने बताया कुछ नहीं ऐसा, तो लेट्स सी। थर्ड में रहस्य छुपा हुआ है। देखो बाइक महंगी है ऑब्वियस है, तो इसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस वगैरह महंगी होगी, टायर्स वगैरह थोड़े बहुत नॉर्मल लग सकते हैं आपको, लेकिन ओवरऑल पैकेज बताया जाए तो कैसा लगा, किस सिनेरियो में सही है? मुझे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइक सेफ बहुत ज्यादा लगी। मैं पैकेज पे बाद में आऊंगा, बट लाइक चलाने के मामले में अगर मैंने 390 भी चलाई है अपने दोस्तों की, सबसे बढ़िया फीचर तो यही है ना यार। हाँ, कीलेस है बढ़िया। तो लाइक चलाने के मामले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको फेंकेगी नहीं एकदम से आगे, तो आप बिल्कुल सेफ राइड कर सकते हो। और पैकेज के हिसाब से अफोर्डेबल पैकेज है, मतलब अगर इतनी सेगमेंट की बाइक चाहिए तो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही ना, तो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके आप इसको ले सकते हो। देखो, मतलब बहुत बढ़िया क्या होता है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है पैसों से। छोटी मोटी फीचर जो बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं वो फीचर ऐड हो जाते हैं पैसों में। अब क्या है, जो मैं बता रहा था आपको कि ये कीलेसली काम करती है, वायरलेसली, मतलब कुछ इसमें नहीं है, कहीं पर आपको नहीं लगानी, कुछ नहीं करनी, सारी चीज़ें कंट्रोल जाएंगी। इनफैक्ट की लॉक तक सारी चीजें कीलेस ही चलती है। बट अगर ये की का सेल खत्म हो जाए कभी, ठीक है, ये रेंज की है बेसिकली। हाँ, ये रेंज की है, अगर की का कभी ये खराब हो जाए, ठीक है, तो इसके अंदर एक NFC चिप भी है। NFC चिप के अंदर होता है राइडर का कोड और बाइक का कोड, इनका एक कोड होता है जो कि क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, यहां पे ये जो देख रहे हैं ये भी एक NFC चिप का रिसीवर है। तो NFC चिप क्या होती है, इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो जैसे ही हम इसके ऊपर ये टच करेंगे, अगर इसके अंदर बैटरी भी नहीं होगी और ये खराब भी होगी ना की, तब भी ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन से ऑन हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में की है। तो इट मींस ये हुआ कि आपको भी फंस नहीं सकते अगर ये कुछ भी हो जाए इसको, वो NFC जो चिप होती है ना वो विदाउट बैटरी चलती जी, है जी, ठीक है जी। तो वो विदाउट बैटरी चलती है, उसके अंदर बैटरी जो होती है, अगर टूट भी जाती है तो NFC चिप अगर बची हुई है तो आप उसको ऐसे करके ऑन कर सकते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे फीचर अगर दे दिए कंपनी ने तो क्या पैसे नहीं लगी? ऑफकोर्स लगेंगे, थोड़े बहुत लगेंगे। मजा आया? और ये जिंदगी की फर्स्ट बाइक है, बहुत ज्यादा मजा अपने पैसों से कमा रखी है जी। कितने टाइम में पैसा कमा लिया था जो कि इस बाइक को लेने की? एक्चुअली अब स्टोरी वो तो कभी बैठ के शेयर करेंगे, पर लाइक जब मैं आऊंगा ना उत्तराखंड, हाँ, तो पहाड़ों में बैठ के टिक्के विक्के बनाएंगे। हाँ हाँ, डन डन डन, देख लेंगे वहाँ पे अगर हिसाब किताब होता है तो। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा, बाइक बहुत अच्छी है। और अगर किसी को लेनी है या फिर नहीं लेनी, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है ना, कि अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के लोग हैं कि जो कि मोटरसाइकिल से प्यार करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले, सब कुछ लेके आने वाला हूँ मैं।
प्लेन, शिप, कार, रॉकेट वॉकेट सब ले आएंगे, आपका बस चाहिए हमें थोड़ा सा प्यार। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो जहां भी देख रहे हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।